कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है और यही कारण है कि सूबे के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक फिर से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी सुविधाओं की इजाज़त रहेगी, ट्रेनें चलेंगी लेकिन बस सेवाओं को बंद रखा जाएगा। माल की ढुलाई और हवाई उड़ानें भी इस लॉकडाउन से अप्रभावित रहेंगी। इसके साथ साथ सरकारी और निजी कार्यालय, गैर ज़रूरी सामान, मॉल और रेस्टोरेंट की दुकानें बंद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक इस लॉकडाउन के दौरान अगर कोई बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उससे 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले बिना मास्क के पकड़े जाने पर 100 रुपये का फाइन किया जाता था। सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सभी कार्यालय और सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह जारी रहेगी। इन सेवाओं में काम करने वाले लोग, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के घर जाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से बसों की सुविधाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएंगी। इन बसों को छोड़कर बाकी सभी बस सेवा बंद रहेंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 32,000 से ज़्यादा हो गई है। नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति चिंताजनक है, सबसे ज्यादा यहीं से मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।